Good afternoon. This is Pooja Gupta from Aggarwal College, Ballabgarh, belongs to Department of Computer Science. Today we are going to discuss errors and exceptions in Java. How we will handle the errors and exceptions in Java. First of all, I would like to discuss what is error. Now, we have seen a number of times when we execute our program, it doesn't give the correct output at one go. We execute them and rarely we get the answer at one go correctly. Okay, हम कुछ अपने प्रोग्राम को रन करते हैं लेकिन बहुत ही रेयर चांस होता है कि हम अपना प्रोग्राम का जो आउटपुट है बिल्कुल करेक्ट वे में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमें मिल पा रहा है. दिस इज ड्यू टू सम एरर्स एग्जिस्टिंग इन द प्रोग्राम, दिस इज सम मिस्टेक्स एग्जिस्टिंग इन द प्रोग्राम. सो आई वुड लाइक टू डिस्कस वॉट इज मिस्टेक और वॉट इज एरर. एरर आर द रॉन्ग्स दैट कॉज द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियाँ होती हैं हमारे प्रोग्राम में जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम आउटपुट सही नहीं देता है. इन एरर्स की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट, एब्रप्टली टर्मिनेट हो जाता है या फिर सिस्टम क्रैश हो जाता है या फिर सिस्टम हैंग मोड में चला जाता है. पर जब हम C++ पढ़ाते हैं हमने कई बार देखा है कि हमारा प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं और ड्यू टू सम एरर जो हमें कई बार पता भी नहीं होती कि कहाँ पर है कैसे है और प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट स्टेट में चला जा रहा है. These are some errors. Okay, hey, errors are basically of two types. First one is compile time error and second one is runtime error. Now, first जो हमारी जो problem है हमें ये find out करना है कि हमारे program में जो error है वो है किस type की, whether it is compile time error or it is runtime error. तो इन्हें remove करने के लिए हमें इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि compile time error होती क्या है. जब हमें इनके बारे में पता होगा तभी हम इनको रिजॉल्व कर पाएंगे. कंपाइल टाइम एरर आर द एरर्स दैट एग्जिस्ट ड्यू टू द सिंटैक्टिकल एरर्स ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज. उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का कुछ सिंटैक्टिकल रूल होता है. हम इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश का एक रूल है कि अगर आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्रामेटिकली जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा लाइन का वो कैपिटल होना चाहिए एंड द अगर आपका सिंपल सेंटेंस है दैट विल बी कंप्लीटेड बाय फुल स्टॉप. अगर ये आपका क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंस है तो दैट विल बी टर्मिनेटेड बाय क्वेश्चन मार्क. सम कहीं आप कॉमा पुट करेंगे, कहीं आप एक्सक्लेमेशन पुट करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल हैं. ऐसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें प्रोग्रामिंग करते टाइम फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज डेवलपर को प्रॉब्लम होती है अपने एरर्स को रिमूव करने में. तो अगर हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम लिखते हैं तभी हमारा आउटपुट जो है सही आता है. सिंटैक्टिकली अगर हम सही लिखते हैं तो ये एरर्स वो एरर्स होती हैं जिन्हें हमारा कंपाइलर कंपाइलेशन टाइम पे डिटेक्ट कर लेता है. सिंटैक्टिकल एरर जो हमने लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी है, हमने कहीं सेमीकोलन लगाना हम भूल गए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स होते हैं इफ, फोर, वाई, डू, इंट, हमने इनकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है. कहीं कैपिटल लेटर यूज़ करना था तो हमने स्मॉल लेटर यूज़ कर दिया है, कहीं स्मॉल लेटर यूज़ करना था तो हमने कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया है. इस वजह से हमारा प्रोग्राम क्या दे देगा, जब हम कंपाइल करेंगे वो हमें एरर शो कर देगा कि आपने ये सिंटैक्टिकल एरर अपने प्रोग्राम में करी है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट आउटपुट. ओके, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द error. What is the compile time error in our program? There are too many compile time errors like semicolon missing, आपने keywords as an variable use कर लिया है, आपने braces start करने braces close करना भूल गए हैं आप, और कहीं semicolon नहीं लगाना था फिर भी लगा दिया है, आपको single equals to डबल इक्वल्स टू की जगह आपने सिंगल इक्वल्स टू लगा दिया है, सिंगल इक्वल्स टू की जगह आपने डबल इक्वल्स टू लगा दिया है, कोई आपने वैक रेफरेंस पास कर दी है अपने प्रोग्राम में, या कोई इनकम्पेटिबल टाइप यूज कर लिया असाइनमेंट के टाइम पर, या आपने डबल कोट स्टार्ट कर दिए हैं डबल कोट आप क्लोज करना भूल गए हो, कोई स्पेलिंग मिसमैच स्पेलिंग आइडेंटिफायर की आपने गलत कर दी है. ऐसे बहुत सारे आप हमारे कंपाइल टाइम एरर्स होती हैं जिन्हें कंपाइलर डिटेक्ट करता है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम. अगर ये प्रोग्राम हम अगर सिंपल सी प्लस लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम इन एरर्स की वजह से कई बार इनफाइनाइट स्टेट में चला जाता है या हैंग हो जाता है हमारा सिस्टम. कभी एक बार ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग कर दी हो हमने तो क्रैश
भी हो सकता है. तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, इन पहले इन एरर्स को डिटेक्ट किया. ठीक है, सेकेंड वन हमारा आता है रन टाइम एरर्स. द एरर्स विच आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द रन कंपाइल टाइम एंड दे आर डिटेक्टेड एट रन टाइम, दे आर कॉल्ड रन टाइम एरर. दे आर कॉल्ड ड्यू टू द सिमेंटिकल एरर्स, सिमेंटिकल प्रॉब्लम्स और लॉजिकल प्रॉब्लम्स इन आवर प्रोग्राम्स. हमने सब कुछ ठीक लिखा अपने प्रोग्राम में, हर जगह प्रॉपरली ब्रेसेस लगाए हैं, कोट्स लगाए हैं, स्पेलिंग ठीक लिखी है, कहीं सेमी कॉलन नहीं भूले हैं. हमने उस ग्रामर के, उस लैंग्वेज के ग्रामर के जितने भी रूल्स थे वो सारे फॉलो करे हैं. स्टिल देयर मे आर चांसेस ऑफ रॉन्ग आउटपुट जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग लॉजिकल एरर्स और सम रन टाइम एरर्स. फॉर एग्जाम्पल हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इफ़ वी आर डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर नंबर वी विल गेट द क्वेश्चन. ओके, बट इफ द डिनोमिनेटर इज जीरो आउटपुट विल बी इन्फिनिटी. समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी. ओके, बट देर इज नो वर्ड ऑफ नेम इन्फिनिटी इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर में इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई वर्ड, कोई सिंबल, कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है. उसके लिए ये क्या है, अनडिफाइंड है. बाई चांस मिस्टेक से, गलती से या लॉजिक की वजह से आपने कहीं पर भी किसी न्यूमरेटर को, किसी भी इंटीजर को या फ्लोट को गलती से आपने डिवाइड कर दिया जीरो से, तो आपका सिस्टम क्या देगा, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एरर जो है क्रिएट कर देगा. नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू हैंडल दिस टाइप ऑफ एरर्स. कंपाइल टाइम एरर तो आपको डिटेक्ट करके बता देता है कि आपने यहाँ यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाया, यहाँ ब्रेसेस नहीं लगाया, यहाँ कीवर्ड गलत लिख दिया है. लेकिन लॉजिकल एरर्स आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ती है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं C++ की तो वो आपको इसका कोई मैसेज शो नहीं करेगा. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जावा, देन आपको प्रॉपरली जावा जो है, अगर हम इस जावा में इस टाइप की कोडिंग करते हैं तो वो हमें एरर शो करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आपने इस टाइप की एरर करी है और आपका जो प्रोग्राम है उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा. नो चांसेज ऑफ हैंग, नो चांसेज ऑफ करप्शन प्रोग्राम, नो चांसेज ऑफ टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम एब्रप्टली, नो चांसेज ऑफ सिस्टम क्रैश. ऐसा कुछ नहीं होता जावा के प्रोग्रामिंग करते टाइम कि हमारा सिस्टम क्रैश हो गया या हैंग मोड में चला गया या हम क्या कहते हैं बार बार एक ही आउटपुट को देखे जा रहे हैं, इन्फिनिटी मोड में देखे जा रहे हैं. इट विल सिंपली डिस्प्ले कॉमन मैसेज एंड देन टर्मिनेट द प्रोग्राम वेरी स्मूथली, वेरी स्मूथली. नेक्स्ट, बहुत सारी ऐसी एरर्स होती हैं, नो टू डिवाइड बाय जीरो, आप एक फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर आप एक एरे के इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने एरे की जो लिमिट है वो 10 दे दी और आप एरे का 11th इंडेक्स जो है एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगा, एरर क्रिएट हो जाएगी. ओके, आपने एरर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का और आप उसमें वैल्यू पास कर रहे हो फ्लोट टाइप की, अगेन रन टाइम एरर है ये. आप ट्राई कर रहे हो कास्ट एन चांस ऑफ योर क्लास टू वन ऑफ इट सब क्लास, ये भी आपकी रन टाइम एरर है. ट्राइंग टू इलीगली चेंज द स्टेट ऑफ अ थ्रेड, आप इलीगली सी स्टेट जो है थ्रेड की चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी क्या है, रन टाइम एरर है. यूजिंग अ नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस एज ए लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट रेफरेंस टू एक्सेस ए मेथड और ए वेरिएबल, रन टाइम एरर है. एक इनवैलिड स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट कर रहे हो नंबर में, अगेन ही रन टाइम एरर है. चलो, बात ये तो हो गई कि हमने रन टाइम एरर को जो है कहते हैं कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, हमें मैसेज मिल गया कि हाँ हमने प्रोग्राम में रन टाइम एरर करी है. लेकिन अब इनको हैंडल कैसे किया जाए, मैसेज डिस्प्ले हो गया है लेकिन हमारे से हमने प्रॉब्लम किया है कि हम बचे हुए प्रोग्राम के साथ, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमने जहाँ तक हमारे प्रोग्राम में एरर आई है ठीक है आप वहाँ तक मैसेज डिस्प्ले हो गया, लेकिन जो बचा हुआ कोड है वो तो मेरा ठीक है, मैं उसको तो एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ. तो उसके लिए क्या किया, जावा ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है, इफ वी वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द फर्दर कोड आफ्टर द रन टाइम एरर, वी वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द फर्दर कोड एंड देन वी हैव टू यूज सर्टेन मैकेनिज्म. जावा प्रोवाइड सर्टेन मैकेनिज्म टू हैंडल दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. फर्स्ट नाउ आई विल लाइक टू डिस्कस व्हाट इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इज ए कंडीशन दैट इज कॉज्ड बाय रन टाइम एरर इन द प्रोग्राम. जावा इंटरप्रेटर एनकाउंटर्स
an error such as dividing an integer by zero, it creates an exception object and throws it to inform the error about the error. Okay. If the exception object is not caught and handled properly, the interpreter will display an error message and will terminate. Okay. मुझे मेरे कोड में मुझे पता है कि मेरे प्रोग्राम में यहाँ यहाँ एरर आ सकती है. जावा ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं. ठीक, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारी चार फेजेस में पूरी होती है. फर्स्ट है आपकी फाइंड द प्रॉब्लम, नेक्स्ट वन इन्फॉर्म द प्रॉब्लम, नेक्स्ट वन रिसीव द प्रॉब्लम, रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन, एंड लास्ट वन टेक द करेक्टिव इन्फॉर्मेशन. ओके, टेक द करेक्टिव स्टेप और एक्शन. फर्स्ट वन फाइंड द प्रॉब्लम, दैट इज हिट द एक्सेप्शन. आपने एक्सेप्शन को क्या किया, हिट किया. इसका मतलब जिस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, रन टाइम एरर अगर हो सकती है, ठीक है, वो आपने हिट किया. नेक्स्ट इन्फॉर्म द एरर, इट मीन्स यू आर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन. नेक्स्ट वन रिसीविंग द एरर इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स यू आर कैचिंग द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट. And last one, taking corrective action. It means you are handling the exception. It means exception handling occurs in four phases. First one, hit the exception. Next one, throw the exception object. Next one, catch the exception object. And last one, handle the exception object. Okay. To handle these type of phases, we divide it into two parts. First one, try block, and second one is catch block. Try block में हम generally उन statement को रखते हैं जहाँ हमें पता होता है कि इन statement में problem आ सकती है, run time error अगर हो सकती है. लेकिन technically बिल्कुल correct लिख रहा है, सारे grammar के rule follow कर रहे हैं, लंबी लंबी calculations हैं, expressions हैं, and we don't know where the problem may occur in future. Okay, then we look for these type of statements in try block where the run time errors may occur. मे और मे नॉट बी, जरूरी नहीं है कि हो और जरूरी हो सकता है, ये भी नहीं है कि ना भी है, दोनों ही प्रॉबिलिटी है. ओके, तो जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है हमने स्टेटमेंट को कहाँ रख दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया है. ओके, ये वो स्टेटमेंट होंगी जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. तो जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तब वो ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएगा और उन स्टेटमेंट को अगर एग्जीक्यूट करेगा जहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकती है. If there is no error, it will continue. Otherwise, if it found, compiler finds any error, okay, interpreter finds an error during the execution of the program, then it will throw an exception object that will be catched by the catch block. वो exception object catch block क्या करेगा, catch कर लेगा. ठीक है, catch के अंदर हम एक किस type का error हो सकता है उसकी एक class देंगे. जैसे मान लो divide by zero है तो हमने दे दिया डिवाइड बाई जीरो एरर, अर्थमेटिक एक्सेप्शन एरर. ठीक है, और हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है तो हमने दे दिया कैच ब्रैकेट में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया ई. तो वो क्या करेगा, उस ई में उस ऑब्जेक्ट को कैच करेगा. और इन द कैच ब्लॉक वी विल डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ मैसेज और रिमूव द एरर और वट एवर वी वॉन्ट टू डू टू रिमूव दैट काइंड ऑफ एरर और टू डिस्प्ले द मैसेज वी विल पुट इन साइड द कैच ब्लॉक. अगर हमें बस इन्फॉर्म करना है कि हाँ डिवाइड बाय एरर हुई है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई ने उसे कैच कर लिया और मैसेज क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया. ठीक है, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, मैसेज डिस्प्ले कर दिया हमने कैच ब्लॉक के अंदर, हाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. ओके, नेक्स्ट जब ये एक्सेप्शन हिट हो गया, थ्रो हो गया, कैच हो गया और हैंडल हो गया, उसके बाद क्या होता है कि इन ट्राई कैच ब्लॉक के बाद भी हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, हमारा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट नहीं होगा. कैच ब्लॉक जैसे ही खत्म होगा उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है, सी सी प्लस प्लस में हमारे पास ये फैसिलिटी, सी में अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, तो उसमें ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी कि हमारा जो प्रोग्राम है रन टाइम एरर के बाद फर्दर कंटिन्यू करे. ठीक है, सी प्लस प्लस में कुछ हद तक एक्सेप्शन हैंडलिंग आई थी लेकिन जावा ने इसको और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है. अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं. हम खाली एक ही कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं कर सकते, हम मोर देन वन कैच ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं. ट्राई ब्लॉक
try block is maybe single, or we can use nested try catch. Okay, try catch के अंदर try catch भी use कर सकते हैं and we can use multiple catches also. सिंगल ट्राई ब्लॉक है उसके साथ हम मल्टीपल कैच ब्लॉक दे सकते हैं. हमें स्टार्टिंग में नहीं पता कि हमारी जो एरर्स हैं वो किस किस टाइप की हो सकती हैं. वो ऑटोमेटिक एरर भी हो सकती है, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी हो सकती है, और हमारी एरर स्टोर एक्सेप्शन भी हो सकती है, फाइल नोट बाउंड एक्सेप्शन भी हो सकती है. एट इनिशियल स्टेज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एरर में अकर इन फ्यूचर. सो वी कैन पुट अ नंबर ऑफ कैचेस, अ नंबर ऑफ कैच ब्लॉक देयर. जब एरर अकर होगी तो वो कॉरेस्पॉन्डिंगली उनको चेक करता रहेगा वन बाय वन कि एरर किस टाइप की है, और जो एरर का टाइप है वो मैच हो जाएगा तो उस वही पर्टिकुलर कैच ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर वी आर इन डाइसी स्टेज, हमें नहीं पता स्टार्टिंग में कि कौन कौन सा कैच ब्लॉक, कैच में किस टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, तो वी कैन पुट अ नंबर ऑफ एक्सेप्शन किया. एक्सेप्शन की क्लासेस हम बहुत सारे वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं. ओके, लास्ट वन आई वुड लाइक टू डिस्कस फाइनली. फाइनली क्या करता है, वो स्टेटमेंट जिन्हें हमें नेसेसरी एग्जीक्यूट करवानी ही होती है उन्हें हम फाइनली ब्लॉक में पुट कर देते हैं. और जैसे हम इसे कैच ब्लॉक के बाद रखते हैं, अगर कैच ब्लॉक से मैच नहीं हुआ तो फाइनली ब्लॉक तो आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया